90% लोग चावल का सिर्फ 25% चबाते हैं, बाकी सब। आप एक काम करो, कभी भी चावल खा के ना उंगली मार के उल्टी नहीं करना, कितना चावल पूरा साबुत निकलेगा। अगर हम खाने की बाइट पूछते हैं लोगों से, तो आमतौर पे अगर हम इसको रोटी मान लें, इसको एक रोटी मान लें, तो हम लोगों से पूछते हैं तो आमतौर पे लोग इतनी बड़ी रोटी तोड़ते हैं ग्रही, कुछ लोग, और कुछ ने तोड़नी होती है इतनी बड़ी, और कुछ कहते हैं ऐसे, क्योंकि वो क्या करते हैं ऐसे 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 फिर सब्जी। चलो, एक दिन मैं कहीं खड़ा था तो भटूरे छोले कोई लिए किसी ने, एक मतलब मजदूर का बेटा था वो, उसने भटूरे के 3 टुकड़े किए ऐसे, लपेटा चने और सीधा अंदर। तो आप बताओ, इतनी बड़ी बाइट खाने के लिए बने हम? कोई स्कूल सिखाता है, कॉलेज सिखाता है कि इतनी बड़ी बाइट खाओ, इतनी बड़ी बाइट खाओ? आप इतनी बड़ी तोड़ते क्यों पता है? आपको सब्जी भरनी होती है, तो फिर चम्मच किस लिए भाई? चम्मच किसने आविष्कार किया था? तो आप आज के बाद खाने की बाइट का टुकड़ा इतना बड़ा लोगे, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो इसको सब्जी में रखोगे और इसको 32 बार चबाओगे। सब्जी दाल ज्यादा खानी है, रोटी कम खानी है। अगर आप इतनी बड़ी बाइट खाओगे तो 15 मिनट लगेंगे आधी रोटी खाने में, 15 मिनट लगेंगे आधी रोटी खाने में। आप जो 8-8 खाते हो, 6-6 खाते हो, 4-4 खाते हो, छूट जाएंगी आपकी। और चावल 90% लोग चावल का सिर्फ 25% चबाते हैं, बाकी सब। आप एक काम करो, कभी भी चावल खा के ना उंगली मार के उल्टी नहीं करना, कितना चावल पूरा साबुत निकलेगा। मैगी खाओ, चाउमीन खाओ, उंगली मारो निकालो, पूरा साबुत निकलता है। तो आप लोग थोड़ा सा अपने खाने पीने का सिस्टम सुधार लो, ठीक है? जो खाना है चबा चबा के खाना है, जल्दबाजी में खाना नहीं खाना। मूड खराब हो, गुस्सा हो, लड़ाई हो, टेंशन हो, परेशानी हो, रो रहे हो, उस दिन क्या करना है? खाना नहीं खाना। लेकिन उस दिन क्या होता है हमारे घर में? आपके साथ कौन आया घर पे? आपके साथ कौन आया हुआ यहाँ पे? आपके हस्बैंड आए हुए हैं। आप दोनों की लड़ाई हो गई, हस्बैंड नाराज हो गए, आप कहते क्या करोगे? प्लेट लेके जाओगे, जरा सा खा लो, मेरी कसम लगे खा लो, खाने से क्या नाराजगी। ये हमारे देश में चलता है, बच्चों के साथ भी माएँ करती हैं, और ऐसे आपस में सब एक दूसरे को, सब एक दूसरे को बीमार करने पे लगे हुए हैं। अरे भाई, जब उसका मन नहीं है, उसका मूड नहीं है, तो मत खिलाओ। कभी भी जानवर को, जब जानवर नहीं खाएगा ना, जब उसको उसका मन नहीं होगा, बीमार होगा वो, या उसका पेट भरा होगा, उसके सामने कुछ भी ले जाओ वो नहीं खाएगा। लेकिन आपके सामने जब मर्जी ले जाओ। जंगल में अगर एक शेर एक हिरन का शिकार कर ले, शेर अगर हिरन का शिकार कर ले तो 7 दिन तक खाना नहीं खाता। कितने दिन तक? 7 दिन तक दोबारा शिकार नहीं करता वो, क्योंकि उसका पेट। अगर अजगर एक हिरन खा ले तो 6 महीने से 9 महीने, लगभग 1 साल तक वो खाना नहीं खाता। हमारे घरों में 4 पैग पी लिए, 1.5 किलो सामान खा लिया, घर में जनानी क्लेश न करे, 4 रोटियां फिर खा जाते हैं। शाम को 6 बजे बर्थडे पार्टी पे केक खा लिया, चाउमीन खा ली, ब्रेड खा ली, बर्गर खा लिया, घर में रोटी फिर खानी है। रोटी खा के पेट भर गया, डकार आ गया, रात को दूध पीने की आदत है। सारा हिंदुस्तान मैंगो शेक, बनाना शेक में घुसा हुआ है। भाई राजीव दीक्षित जी के भारत को विश्व गुरु बनाने के सपने को पूरा करने के प्रयास में एशिया का पहला 1000 बेड का इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल शुद्धिग्राम हिम्स दिल्ली NCR मेरठ में खुल चुका है। इसके अलावा चंडीगढ़ डेराबसी, नवी मुंबई, लखनऊ, गुरुग्राम, अमृतसर, दिल्ली, लुधियाना और देश के अन्य कई स्थानों पर भी हिम्स अपनी सेवाएं दे रहा है। हर किडनी फेल पेशेंट, लिवर पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक ये वीडियो पहुंचाकर आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए।